अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एवरीबडी इज़ फाइन एट देयर होम। वेलकम बैक टू बब्बाज बुक कैनेडा विद द अमेजिंग रेसिपी ऑफ होममेड नान। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। हेयर आई हैव टेकन 1 कप ऑफ वाइट फ्लावर, 1 टीस्पून ऑफ एक्टिव यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एंड 1/2 कप ऑफ योगर्ट एडेड विद मिल्क। यहाँ पे मैंने वाइट फ्लावर में यीस्ट ऐड कर दी, 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और ऑयल अभी मैं ऐड नहीं करूँगी। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमने योगर्ट एंड मिल्क का जो लिक्विड है वो इसके अंदर ऐड कर देना है और उसे भी मिक्स करना है। किसी भी स्पैचुला की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हैं बिकॉज मेन पर्पज़ इज़ नॉट टू नीड एट दिस पॉइंट। ये मैंने मिल्क लिया, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया हुआ था, बस इसको मिक्स किया। नीडिंग हम इसकी बाद में करेंगे, ठीक है। ये जस्ट इसको मिक्स करके मैं किसी एयर टाइट बोल में डाल के इसको रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए और यहाँ पर 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको खोलूँगी और अब पॉइंट आता है इसकी नीडिंग का, ठीक है। ये जो 1 टेबलस्पून ऑयल था वो मैं इस पॉइंट पे ऐड करूँगी और इसको अच्छे से नीड कर लूँगी, लाइक 5 to 6 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको नीड करती जाऊँगी, मतलब इसको गूंथती जाऊँगी, ठीक है। इसको नीड कर दिया अब मैंने, अब मैं इसको रख दूँगी 30 to 40 मिनट्स के लिए, किसी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हॉट होना चाहिए जगह, ठीक है। मैंने इसको ओवन के अंदर रख दिया था, ओवन चलाया नहीं था, वैसे ही अंदर रख दिया था क्योंकि कुकिंग हो रही थी तो उसका टेम्परेचर रूम से थोड़ा हाई ही होना था। अच्छा, यहाँ पे इस राइज हो गई, जितना राइज मुझे चाहिए था उतना राइज हो गई है डो। अभी मैं यहाँ पर मैदा डस्ट करके इस डो के नान बनाने के लिए बोल बना लूँगी, ठीक है। यहाँ पे इसके हैवी वाले 2 नान बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बारीक नान पसंद है तो 2 बड़े नान बन जाएंगे और 1 छोटा नान बन जाएगा, ठीक है, तो मेरे बेटे के लिए भी बन जाएगा, और क्या चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसके बॉल्स बना लिए, अभी मैं इसको रोल कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट हैंड से इसको नान की शेप दे लेनी है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी, ठीक है। मैंने इसको 10 to 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया तो ये थोड़ा सा और राइज हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आके मैं इस पे क्लौंजी ऐड कर दूंगी, सेसमी सीड्स ऐड कर दूंगी, चाहे तो ऐसे स्प्रिंकल कर लें, बाद में हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के उसको प्रेस कर दें। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी, अच्छा दूसरे नान पे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया, उसके ऊपर इसको लगा दिया। अभी एक तो है कि आप कोई भी ऐसी राउंड चीज़ लें, उसके साथ नान के ऊपर इस तरीके से प्रेस कर लें, ठीक है। अभी इसको बेकिंग ओवन में रख देते हैं, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे और नीचे वाली शील्ड पे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा नान ले लिया, ये तरीका ज़्यादा डिज़ायरेबल है, किसी भी प्लेट में सेसमी सीड और क्लौंजी डाली, हाथ को गीला किया और उसके साथ प्रेस कर करके लगा दिया, ये मुझे ज़्यादा तरीका पसंद है, ठीक है, आप भी ऐसे ही लगा लीजिए। अभी ये वाला नान थोड़ा थिक बनाया था, थिक होगा तो ये वाला तरीका होगा, ठीक है। हैंड के साथ उसको प्रेस कर लिया, पहला नान बेक हो चुका है 10 मिनट्स में, ठीक है। 400 डिग्री बेकिंग टेम्परेचर एट लोअर शील्ड ऑफ द ओवन एंड 2 मिनट्स ऑफ ब्रॉयलिंग फॉर द कलर एट द टॉप। अब दूसरे वाला नान ऑयल ग्रीस करके पैन के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको बेक कर लेंगे और एक बार फिर से फिंगर से प्रेस कर लेंगे। अभी जो नान बेक हो चुका था उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और ये नान आप देख सकते हैं कितना मज़े का बना है। दूसरा नान भी बेक हो गया है, ठीक है, तो इस पे भी मैं ऑयल लगा दूंगी। ऑयल डालें, किसी भी टिश्यू पेपर से टैप कर दें, चाहे तो किसी ब्रश के साथ लगा दें, ठीक है। प्लेन नान यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, जल्द ही आपसे रोगनी नान की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।